Good morning to all of you. Welcome to our channel Chemistry Brain Booster. आज हमारा ऑर्गेनिक का बेसिक सेशन है. इसमें हम लोग क्लास 12 को ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले क्लास 11 का कुछ रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास 11 में ठीक से चैप्टर कवर नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्लास 12 में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. लास्ट में उनको ऑर्गेनिक रटना पड़ जाता है, तो ये इशू नहीं होना चाहिए. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लास 11 का कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, क्योंकि क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर करने के लिए, बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरा केमिस्ट्री होता है वो 25% वेटेज का होता है. 25% वेटेज को डील करने के लिए आपको पूरा क्लास 11 का जीओसी क्लियर होना चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स क्लियर होना चाहिए, आइसोमेरिज्म क्लियर होना चाहिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए, और रिएक्शन मैकेनिज्म एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्लास 12 में बेहतर कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा बेसिक क्लास है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा. पहला ट्रिक जो हमारा है, इंक्रीज इन कार्बन चेन. किसी भी कार्बन चेन को हम कैसे इंक्रीज करेंगे, कार्बन चेन को कैसे इंक्रीज करेंगे, ये हमारा आज का क्लास है. ठीक है, देखिए कार्बन चेन को इंक्रीज करने का दो तरीका है. पहला तो आप वुड्स रिएक्शन से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है वो है आपके पास कोरे हाउस सिंथेसिस मेथड. रख दीजिए सर, कोरे हाउस सिंथेसिस मेथड. ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन से भी और कोरे हाउस सिंथेसिस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, आप कार्बन चेन को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, देखते हैं हम लोग बारी बारी से. आपके पास क्या है, सपोज दैट आपके पास मीथेन है, और मीथेन से क्या बनाना है, आपको इथेन बनाना है, दो कार्बन बढ़ाना है. तो समझिए, सबसे पहले समझिए एल्केन जो होता है वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है. एल्केन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, एल्केन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो एल्केन को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा. एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैलोजिनेशन. तो क्लोरीन Cl2 Br2 जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. Hμ जानते हैं, E इक्वल टू Hμ, एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. ऐसा करने से क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा. ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन HCl बन गया. एक क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन निकला, वहां जाकर अटैच हो गया. ये क्या बन गया, ये था आपके पास एल्केन था, और एल्केन से आपने क्या बना लिया, हेलो एल्केन, या इसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड. अब ये अनस्टेबल हो गया, अब ये रिएक्टिव हो गया है. ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे आप, इसको स्टेप टू, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ये जो आपका हेलो एल्केन आया है इसका दो मॉलिक्यूल लेना है, क्योंकि जिस कंटेनर में रखा होगा उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसको आपको किसके साथ रिएक्ट कराना है, दो सोडियम का एटम लेना है और ड्राई इथर का प्रेजेंस रखना है, सॉल्वेंट. ठीक है, जैसे ही आप क्या करेंगे, दो CH3 दो मॉलिक्यूल लेना है, वुड्स रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल लेना है, ताकि दो CH3 आपस में जुड़ सके, और यहाँ का दो सोडियम का आइटम और दो क्लोरीन का आइटम क्या बन जाएगा, 2NaCl. इस प्रकार आपने क्या बना लिया, इथेन. आपने लिया क्या था, मीथेन, और मीथेन से आपने क्या बना लिया, इथेन. एक कार्बन से दो कार्बन कर लिया ना आपने. उसी प्रकार से अगर आपके पास, फिर से अगर आपके पास इथेन है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास क्या है, इथेन है. इथेन से आपको क्या करना है, चेन इंक्रीज करना है. ठीक है, आपका दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं. इथेन है आपके पास CH3, इसको सबसे पहले फिर से ये लॉक हो गया है, तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा. तो Cl2H𝜇 लेंगे, एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl प्लस क्या बन जाएगा, HCl. अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, दो मॉलिक्यूल लेना है CH3CH2Cl का, और इसके साथ रिएक्ट कराना है, दो सोडियम एटम और सनलाइट का प्रेजेंस रखना है. ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3CH2 जो यहाँ पहले से था, ये दो मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, CH2 और CH3. अब यहाँ का दो क्लोरीन बच गया और यहाँ का दो सोडियम, तो क्या बन जाएगा, 2NaCl. आपने क्या लिया था, इथेन. क्या लिया था आपने, इथेन लिया था, और बन क्या गया आपके पास, चार कार्बन का बन गया. क्या बन गया, ब्यूटेन. लीजिए, आपने इथेन से बनाना था प्रोपेन, बन क्या गया, ब्यूटेन. यानी इसका प्रॉब्लम क्या है वुड्स रिएक्शन का, कि वुड्स रिएक्शन से आप क्या कर सकते हैं, एक कार्बन का अगर कंपाउंड है तो उससे दो का बना सकते हैं, दो का है तो फिर तीन का नहीं बनेगा, चार का, चार से है तो फिर आठ का, आठ से 16 का, 16 से 32 का. यानी वुड्स रिएक्शन कार्बन की संख्याओं को डबल करता है. ठीक है,
लेकिन अगर आप एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच करना चाहते हैं, एक कार्बन से दो कार्बन, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, यानी एक एक कार्बन का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, वुड्स रिएक्शन यहाँ फेल हो जाएगा और यहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा कोरेहाउस सिंथेसिस मेथड। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? कोरेहाउस सिंथेसिस मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज दैट हमने लिया CH3CH3, क्या लिया है इस बार हमने? इथेन लिया है, ये फिर से एक एल्केन है, इसको एक्टिवेट पहले करना पड़ेगा। तो हमने लिया CH2HCl, ऐसा करने से क्या हो जाएगा? CH3CH2Cl+HCl, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? यहां तक सेम है। दूसरा स्टेप चेंज हो जाएगा। दूसरा स्टेप में आप क्या करते थे, वुड्स रिएक्शन में इसका दो मॉलिक्यूल लेते थे, यहां पे दो मॉलिक्यूल नहीं लेना है, CH3CH2Cl लेना है, और साथ साथ क्या लेना है, अपनी मर्जी से क्या लेना है, मिथाइल क्लोराइड। ध्यान रहे, अगर यहाँ ब्रोमीन रहता तो आपको मिथाइल ब्रोमाइड लेना पड़ता, जो यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ लेना है, मिथाइल क्लोराइड लेना है, ठीक है। और इसके साथ क्या रिएजेंट लेना है, लिथियम प्लस क्यूप्रस आयोडाइड, CuI, लिथियम प्लस क्यूप्रेट, ये रिएजेंट है इसका कोरेहाउस सिंथेसिस का। ऐसा करने से क्या होगा, CH3CH2 यहाँ पहले से था और ये वाला जो CH3 है वो यहाँ आके अटैक करेगा, प्लस यहाँ का सील और यहाँ का सील क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन के स्केप आउट हो जाएगा। यानी आपने क्या लिया था यहाँ पर, इथेन, और क्या बन गया आपके पास, प्रोपेन। देखा यहाँ पर आपने क्या लिया, इथेन, इथेन से क्या बन गया, ब्यूटेन। आपने यहाँ क्या किया, देखिए कंपेयर कीजिएगा, सीएल यहाँ पे क्या लिया, दो मॉलिक्यूल और 2NA, लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या लिया आपने, CH3Cl, लिथियम और क्यूप्रस आयोडाइड, ठीक है। उसी प्रकार से आप चाहेंगे तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, तीन से आप चार बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, प्रोपेन से ब्यूटेन बनाना है। कन्वर्ट, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट प्रोपेन टू ब्यूटेन, तो आपने क्या करना है, आपको क्या करना है, CH3CH2CH3 आपके पास है, सबसे पहले क्या करना है, क्लोरीनेशन करके सनलाइट का प्रेजेंस दीजिए। ऐसा करने से हो जाएगा CH3CH2CH2Cl और क्या बनेगा, प्लस HCl बन जाएगा। दूसरा स्टेप में क्या करना है, CH3 जो हेलो एल्केन बना है, CH3CH2Cl, इसमें किसके साथ रिएक्शन करवाना है, CH3Cl के साथ, लिथियम रखना है साथ में और क्यूप्रस आयोडाइड रखना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2 और यहाँ पे जो CH3 है वो, ये क्या हो जाएगा, CH3+Cl2 अलग, ये क्या बन गया आपके पास, ब्यूटेन। क्या था आपके पास, प्रोपेन, प्रोपेन से आपने क्या बना लिया, ब्यूटेन। यानी एक एक कार्बन अगर इंक्रीज करना है तो कोरेहाउस सिंथेसिस, अगर डबल डबल कार्बन इंक्रीज करना है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, तो वुड्स रिएक्शन, और एक दो तीन चार पांच करना है तो कोरेहाउस सिंथेसिस। कंक्लूजन क्या निकला, इन दोनों मेथड से आप कार्बन चेन इंक्रीज कर सकते हैं। सो कॉपी कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरा ट्रिक में चलते हैं, ठीक है। डिक्रीज इन कार्बन चेन, कहां चलते हैं, डिक्रीज इन कार्बन चेन। कार्बन चेन छोटा कैसे करें, जब कार्बन चेन बड़ा कर सकते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं, तो छोटा कैसे करेंगे वो हमारा आज का क्लास होगा। तो ट्रिक नंबर टू है और वो है डिक्रीज इन कार्बन चेन, डिक्रीज इन कार्बन चेन, कार्बन चेन को छोटा कैसे करना है। सपोज दैट आपके पास क्या है, CH3CH3 इथेन है, और इथेन से क्या बनाना है आपको, मिथेन बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेबल होता है, तो एक्टिवेट वैसा ही करेंगे जैसा करते आए हैं, CH3CH2Cl हेलो एल्केन बन गया। अब यहां से हमको क्या करना है, इसमें एक्वस KOH लेना है, क्या लेना है, एक्वस KOH। इसके एक्वस KOH का मतलब है हमको यहाँ पर क्लोरीन को हटाकर यहाँ पे OH लगाना है। अगर हमको यहाँ पे HCl को बाहर करना होता, यानी एलिमिनेशन करना होता, तो हम यहाँ अल्कोहलिक KOH लेते हैं। बच्चे रटते हैं, बच्चे को रटना नहीं है, एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH में अंतर होता है। एक्वस KOH का इस्तेमाल हम लोग सब्स्टिट्यूशन के लिए करते हैं, कोई चीज जोड़ने के लिए करते हैं, और अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, एलिमिनेशन करने के लिए करते हैं, कोई चीज हटाना हो, जैसे HCl हटाना हो, HBr हटाना हो, ये सब चीज को अगर हटाना हो तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करना हो तो अल्कोहलिक KOH, स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर OH जोड़ना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्वस KOH लेंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा, और
अब साथ साथ क्या बन जाएगा KCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा KCl, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहां इसका अल्कोहल से बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा तब तक कार्बन हटेगा नहीं। अब अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हमको इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए क्या लेंगे नेसेंट ऑक्सीजन और साथ साथ क्या लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले सकते हैं आप K2Cr2O7 ले सकते हैं या फिर आप KMnO4 ले सकते हैं, लेकिन अगर आप KMnO4 लेते हैं तो इसे आपको एसिडिक मीडियम में लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप और ले सकते हैं CrO3+H2SO4, इसको हम क्या कहते हैं जॉन्स रिएजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं जॉन्स रिएजेंट। इन तीनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये डायरेक्ट अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इससे हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिएगा तो अल्कोहल से क्या बन जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है अदरवाइज अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। इसीलिए इन तीनों ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इन तीनों में से किसी एक को लेना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा CH3COOH बन जाएगा, क्या बन गया इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये क्या हो गया फिर से रिएक्शन यहाँ लॉक हो जाएगा, रिएक्शन क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट हो गया। अब इसको फिर से अनस्टेबल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा CH3COOH जहां H है वहां क्या हो जाएगा Na और यहां का OH और यहां का H2O बनकर बाहर हो जाएगा। अब ये क्या बन गया है ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बना है, अब क्या करना है इसका डीकार्बोक्सिलेशन करना है, क्या करना है डीकार्बोक्सिलेशन करना है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब हमको यहां से Na2CO3 बाहर करना है, तो Na2CO3 बाहर करना है तो यहाँ Na एक ही है, दो Na चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ दो है, तीन ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब है हमको NaOH के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी हम NaOH के साथ रिएक्ट करवा चुके हैं, दोबारा NaOH में इतनी क्षमता नहीं है कि उसको फिर से रिएक्शन पूरा सके, तो इसीलिए क्या करेंगे इसका पावर को बढ़ाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों सोडा लाइम कहते हैं, यानी सोडा लाइम से रिएक्शन करवाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा ऐसा करने से क्या होगा यहाँ का NaO और यहाँ का COONa ये क्या हो जाएगा Na2CO3 बन के बाहर हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा CH3 और यहाँ वाला H, तो CH3H यानी क्या बन गया इसको हम क्या कह सकते हैं CH4 बन गया, मीथेन बन गया और Na2CO3 क्या हो जाएगा बाहर। इस प्रकार आपने क्या किया इथेन, इथेन से आपने क्या बना लिया मीथेन। जब तक आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप चेन टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, कार्बन को छोटा नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया इथेन लिया, इथेन का हैलोजिनेशन कराया, अनस्टेबल बनाया इसको, तो क्या बन गया क्लोरोइथेन, एक हैलोइथेन बना। फिर हमने यहाँ क्या किया एक्वस COOH लिया, अल्कोहलिक नहीं क्योंकि हमको यहाँ पे जोड़ना है हटाना नहीं है, इसलिए हमने क्या किया एक्वस COOH लिया। अगर हमको यहाँ पर हटाना होता तो हम क्या लेते अल्कोहलिक COOH लेते। ऐसा करने से ये क्या बन गया हैलोइथेन से क्या बन गया अल्कोहल। अब अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने क्या लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे नेसेंट ऑक्सीजन लिया और Na2Cr2O7 या फिर KMnO4, अगर KMnO4 लेते हैं तो ये एसिडिक मीडियम में ही एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं जॉन्स रिएजेंट, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की श्रेणी में आते हैं। ऐसा करने से अल्कोहल से क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ये स्टेबल हो गया है तो इसको अनस्टेबल करना होगा, इसलिए हमने क्या लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कराकर सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। अब ये सॉल्ट जो हो गया ये अनस्टेबल हो गया, अब इसमें हमको क्या करना है कार्बन को हटाना है ना, हमारा टारगेट क्या है डिक्रीजिंग कार्बन चेन, तो हमको यहाँ से Na2CO3 बाहर करना पड़ेगा। इसके लिए हमको देखिए कि यहाँ पे कोई चीज कमी है तो हमने क्या लिया NaOH, लेकिन पहले हम NaOH रिएक्ट करवा चुके थे तो इससे पावरफुल चाहिए, तो इसीलिए NaOH के साथ हमने क्या ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसका पावर को बढ़ाने के लिए NaOH के पावर को बढ़ाने के लिए, इसको हम सोडा लाइम कहते हैं, जिससे डीकार्बोक्सिलेशन होकर क्या बन गया मीथेन बन गया। इसको आप लीजिए ठीक है, चलो ये हो गया मेरा दूसरा ट्रिक, अब तीसरे ट्रिक की ओर पढ़ते हैं ठीक है। तीसरा ट्रिक क्या है, अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, डबल है तो ट्रिपल कैसे बनाएंगे ठीक है। एक्चुअली इस वीडियो में कम से कम 5 बार शूट कर चुका हूं, हर बार कुछ ना कुछ इंटरप्शन हो जाता है, इस कारण से थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, फोन मेरा काफी ओवरहीटिंग हो चुका है, सुबह से लगातार 7 बजे से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ट्रिक नंबर 3 है मेरे पास, और ट्रिक नंबर 3 है आपके पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे बनाएं, और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएं, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे जाएं।
ये हमारा है आज के क्लास का थीम, ट्रिक नंबर थ्री। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बनाए कैसे, डबल से ट्रिपल कैसे बनाए, इसके बारे में देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड आपके पास क्या है, CH3CH3, ये क्या है, इथेन। ये क्या है, एल्केन है, एल्केन स्टेबल होता है। पहले इसको अनस्टेबल कीजिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हैलोजिनेशन। ऐसा करने से क्या हो गया, CH3CH2Cl और साथ साथ क्या बन गया, HCl बनेगा, बनेगा ना, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन HCl। अभी क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। अब हेलो एल्केन बन गया, हमको यहाँ से क्या करना, अभी तुरंत बताए थे कोई चीज को अगर हमको इलिमिनेट करना हो तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, अल्कोहलिक के वो चाहना पड़ेगा। अच्छा देखो, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, CH2HCH2Cl इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आपको आसानी समझ में, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब हमको यहाँ से क्या करना है, इस कार्बन से हमको क्लोरीन हटाना है और इस कार्बन से क्या हटाना है, हाइड्रोजन, यानी हमको HCl हटाना है, यानी हमको यहाँ पे एलिमिनेशन करना है। और एलिमिनेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको सब्सटीट्यूशन करना होता तो हम एक्वस KOH का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ CH2 यहाँ CH2, अब यहाँ से H हटेगा यहाँ CL हटेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपके पास क्या था, एल्केन था, और एल्कीन से आपने क्या बना लिया, एल्कीन। देखिए एल्कीन बन गया। अब अगर एल्कीन से एल्काइन बनाना चाहते हैं तो फिर आपको एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप लंबा जंप करना चाहते हैं तो दौड़ पीछे से दौड़ के रन लेके जंप करना पड़ता है ना। इसे बॉलर अगर बॉलिंग करता है तो यही से टिकेगा, तो ज्यादा दूर तक बॉल नहीं आएगा, उसको क्या करता, दूर से दौड़ता हुआ आता है तब जाकर बॉल फेंकता है कि नहीं, और तब जाकर के बॉल अच्छा फास्ट होता है। यानी कहने का मतलब एल्कीन से अगर एल्काइन बनाना है तो आपको पहले एल्केन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एल्कीन से एल्केन, एल्केन कैसे बनाएंगे, देखिए यही पे जाते हैं हम। फिर से क्या करना होगा, इसको हमको फिर से रिएक्शन कराना पड़ेगा। इसको फिर से लेते हैं Br2 के साथ लेते हैं, ठीक है। Br2 ले सकते हैं या Cl2 ले सकते हैं, HBr लेंगे फिर से यहाँ पे, ये एल्कीन है। ऐसा करने से क्या होगा, CH2 एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक नीचे से अटैक कर रहा है ब्रोमीन, एक ऊपर से अटैक कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। अब ऐसा करने से क्या होगा, अभी तुरंत बताए हैं कि इस कार्बन से अगर ब्रोमीन हटाइएगा तो इस कार्बन से क्या हटेगा, हाइड्रोजन। जिस कार्बन से ब्रोमीन हटता है उसके ठीक एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन स्टेक होता है। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HBr अगर माइनस करना है तो अभी तुरंत बताए हैं कि अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है तो यहाँ पे CHBr हो जाएगा, CH2 से क्या हो जाएगा, CHBr। इस कार्बन पे CH2 एडिटिव रह जाएगा और एक बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। फिर से आपको क्या करना है, फिर से इस कार्बन से हमको ब्रोमीन हटाना और इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है। तो हमको दोबारा क्या करना, ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर जा रहा हूँ। अब हमको क्या करना है, यहाँ से H, यहाँ से Br हटाना है। जैसे यहाँ पे हटाए अल्कोहलिक KOH लगाकर, वैसे यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लगाकर आप नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक KOH में उतना पावर नहीं कि दोबारा घटा सके। इसीलिए हमको यहाँ पर अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे सोडा माइड का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, सोडा माइड का इस्तेमाल करेंगे। जब अल्कोहलिक KOH फेल्योर हो जाए तो उससे पावरफुल रिएजेंट सोडा माइड होता है, तो हम सोडा माइड का इस्तेमाल करेंगे। और सोडा माइड का इस्तेमाल करने से यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन हट जाएगा और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ एक CH बच जाएगा और यहाँ एक CH बच जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और इस प्रकार एल्काइन बन जाएगा, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते थे, आप यहाँ से डायरेक्ट भी यहाँ जा सकते थे डायरेक्ट। और डायरेक्ट अगर जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सोडा माइड का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाना मेरा काम है, इसलिए मैंने दोनों स्टेप सिखा दिया। दोबारा अल्कोहलिक KOH काम नहीं करेगा, तो उससे पावरफुल रिएजेंट सोडा माइड होता है, उसका इस्तेमाल कीजिए, या डायरेक्ट आप यहाँ से एल्काइन जा सकते हैं। यानी एल्केन से एल्कीन और एल्कीन से एल्काइन कैसे बनेगा, इस वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ट्रिक नंबर फोर। जब हम सिंगल से डबल जा सकते हैं, डबल से ट्रिपल जा सकते हैं, तो वापस भी तो जा सकते हैं। ट्रिक नंबर फोर, अब हमको क्या करना है, ट्रिपल से डबल जाना है और डबल से सिंगल आना है, उल्टा आना है, ठीक है, रिवर्स आना है। तो रिवर्स कैसे आएंगे, देखिए
बहुत सिंपल है, रिवर्स आना बहुत इजी होता है, मतलब रिडक्शन करना है। क्या करना है? रिडक्शन करना, बॉन्ड की संख्या को कम करना, तो रिडक्शन कहते हैं। देखो रिडक्शन कैसे करेंगे, आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, सपोज दैट आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH काइनेज आपके पास, तो रिडक्शन करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसके लिए क्या लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यानी पैलेडियम ले सकते हैं या प्लैटिनम ले सकते हैं या निकल ले सकते हैं, और साथ साथ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, ठीक है, इन तीनों में से कोई लेना है और हाइड्रोजन लेना अनिवार्य है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या था आपके पास एल्काइन, एक बॉन्ड टूटेगा और दोनों की जगह एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्या बन गया, एल्कीन। अब एल्कीन से फिर क्या करना चाहते हैं आप, एल्केन बनाना चाहते हैं तो फिर समझ लेना पड़ेगा पैलेडियम प्लैटिनम या निकल, तीनों में से कोई एक, और हाइड्रोजन भी लेना पड़ेगा क्योंकि दो हाइड्रोजन लेंगे तभी तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये क्या बन गया, एल्केन। यानी आप एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन बनाना सीखेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं मैं, मुझे पता है, लेकिन ये सब चीजें याद है, कुछ भी पढ़ाया है मैंने, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी हूं। अब ट्रिक नंबर 5 आता है, ट्रिक नंबर 5 क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल से कैसे एल्डिहाइड बनाएंगे, और एल्डिहाइड ट्रिक नंबर 5 दूसरे वीडियो में डालूंगा, ठीक है, पार्ट 2 में जाएगा, ये ट्रिक नंबर 4 है, ट्रिक नंबर 5 में बता दे रहा हूँ क्या है, अल्कोहल और अल्कोहल से कैसे बनाना है मुझे एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से कैसे बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ट्रिक नंबर 5 जो है, उसके बाद 10 ट्रिक है, ट्रिक नंबर 5 से लेकर 10 तक, ये आपके पार्ट 2 में स्लो वीडियो में है, ठीक है, तो काइंडली सो कवर कीजिए, थैंक यू।